मॉर्निंग गाइज। और अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर बाइक रेंट मिलता है, वहाँ पर हम आए हैं। अगर आपको जब भी बाइक लेना हो पूरी में, आप सोनूदा से मिल सकते हैं। ये हमारे सोनूदा हैं और ये इनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप यहाँ से बाइक हायर कर सकते हैं, स्कूटी हायर कर सकते हैं। मैंने भी स्कूटी यहाँ पर हायर किया है सारे दिन के लिए। रात को 8 बजे तक आपको यहाँ पर स्कूटी को वापस देना पड़ेगा। आप इनसे बात कर लेंगे, सोनू से। चलिए अब हम घूमते हैं गाइज। स्कूटी लेने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पिताजी रेस्टोरेंट में, जो कि पूरी और कोनार के मरीन ड्राइव में है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ खाई पियेंगे, उसके बाद हम लोग अभी फिर से आगे बढ़ेंगे। और पहले हम लोग जाएंगे रामचंडी मंदिर, उसके बाद चंद्रभागा बीच, उसके बाद जाएंगे हम लोग कोनार्क। तो ये अभी तक का फिलहाल है, देखते रास्ते में कैसा होता है, रिगार्डिंग बारिश क्या होता है। बहुत बारिश। वेलकम बैक गाइस। तो अब हम लोग आ चुके हैं रामचंडी मंदिर, जो कि कोनार्क से थोड़ा सा पहले है, चंद्रभागा बीच से थोड़ा सा पहले है। तो हम लोग जाएंगे अंदर में, आपको कराते हैं दर्शन। देखिए अगर अंदर में मोबाइल अलाउड है कि नहीं वो मेरे को पता नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, आप लोग मंदिर देख पा रहे हो यहाँ से। ये सामने बीच भी है इधर में। ये है मंदिर। देखिए पूजा हो रही है। ये देखिए पूरा मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर पूरा। मंदिर है, देखिए गणेश जी हैं यहाँ पर। पूरा साउथ का टच है एक्चुअली मंदिर में। और यहाँ से वैसे भी साउथ बगल में है, तो ये उड़ीसा है जो साउथ का स्टार्टिंग ही है एक्चुअली, आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर हर माँ मिलेगी आपको, काली माँ, काली माँ का सब रूप है यहाँ पर। ये टेम्पल का नाम भी इसे रामचंडी माँ दिया हुआ है। ये देखिए पूरा टेम्पल का पूरा घेराव दिया हुआ उधर में। ये भी यही मेन है रामचंडी का मंदिर। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए प्रदीप जल रहे हैं पूरे। ये मंदिर का इस साइड का कोना है, मैंने आपको उस साइड में दिखाया, इस साइड में दिखाया आपको। पूरा मंदिर है यहाँ, भोले बाबा का मंदिर है उसी के बगल में। ये नंदी भगवान जी हमारे हैं, बड़ी सी घंटी बनी हुई है। यहाँ तुलसी माता का पेड़ है बहुत बढ़िया सा। एक छोटा सा मंदिर यहाँ भी बना हुआ है। ये देखिए माता रानी का मंदिर है यहाँ पर भी। ये एक मन्नत मांगने वाली पेड़ है जहाँ सबकी मन्नत मांगते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को बीच के साइड में, रामचंडी माता के पीछे में ही बीच है, वहाँ भी देखते हैं, आपको लेके चलते हैं। देखिए ये मंदिर के पीछे वाले साइड में है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ से बोट है, बोट से लोग समंदर में जाते हैं। ये देखिए यहाँ से ये बोट छोड़ती है, ये बोट यहाँ पर घुमाने के लिए है। और उस पार में है समुद्र, माने इट इज फैंटास्टिक आप बोल सकते हो। ये देखिए ये है, और मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ये है समंदर, ये पूरा उस तरह समुंदर है। ये आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो गाइज अब हम आ चुके हैं चंद्रभागा बीच, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर होता है एटीवी राइड। अभी हम लोग करने वाले एटीवी राइड और मैं चलाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर है एटीवी राइड का, ओनली 150 रुपए लेता है चंद्रभागा बीच में। हाँ ठीक है, जाके देखो। और ये देखो ये पूरा बीच है, अभी हम लोग करेंगे एटीवी राइड, हम लोकेशन करेंगे मस्तियाँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। अभी हम दिखाए नहीं बेटे को, चलाएगा अभी हम भी चलाएंगे। वेलकम गाइज। और अभी हम आ चुके हैं कोणार्क मंदिर के अंदर में। यहाँ बाइक का पार्किंग का लेगा आपसे 10 रुपीज और गाड़ी का लेगा 20। अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं उस साइड में। ये देखिए पूरा कोणार्क मंदिर है ये।
आपके सामने दिख रहा होगा मंदिर। लोग जाएंगे मंदिर की तरफ, व्यूज देखे कितना सुंदर है, और अंदर में खाने पीने की भी बना हुई है। ये पेड़ देखे कितना सुंदर है, पूरा गोल नीट एंड क्लीन है। एक्चुअली पूरी जो उड़ीसा जो है पूरा वो पूरा नीट एंड क्लीन है। अब हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते करके सन टेम्पल की तरफ, जो कि कोणार्क का सन टेम्पल है। आप देख ही पा रहे हैं सामने में, यहाँ पर अगर आपने कोई भी फ्लावर को प्लक किया तो इट विल कॉस्ट 100 रुपीज फाइन फॉर यू ऑल। तो कभी भी प्लक मत करिएगा। हम लोग अभी जाते जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता रहूंगा। ये देखिए अंदर में आपको खाने की जगह भी मिल रही है। इंडियन ऑयल फाउंडेशन अर्का खेतरा, ये एक स्टूडियो है। ये दुनिया में जहां जहां सन के वर्शिप होते हैं वो दिया हुआ है, पिरामिड ऑफ सन। उसके बाद माचू पिचू है, आपका इजिप्ट सन टेम्पल है, डिलाइट ऑफ रे, यूद असरा, कोणार्क टेम्पल कॉम्प्लेक्स और सन टेम्पल बेजिंग। बस ये देखिए सूर्य नमस्कार कितने तरीके के होते हैं, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। वेलकम बैक गाइस, और हम आ चुके हैं अंदर में कोणार्क के अंदर में, जो मैंने आपको दिखाया था, जिसकी मैं जहाँ पर आपको सूर्य नमस्कार कराया था। ये पूरा चीज है हिस्ट्री एंड डायनेस्टी ऑफ रूलर ऑफ उड़ीसा के बारे में। फिर आपको यह देखिए प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ पिता स्टाइल टेम्पल, ये किस टाइप का टेम्पल है वो दिखाया गया है। यहाँ पर कौन सी भूमि में क्या है वो दिखाया हुआ, जैसे ऊपर में क्या है उसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले में क्या बोलते हैं, इस तरह से पूरा भूमि के बारे में दिया हुआ। ये पूरा भीमा लिंगराज टेम्पल के बारे में दिया हुआ ये वाला टोटल। फिर देखिए वाईतला टेम्पल 9th सेंचुरी में है, वो भी भुवनेश्वर में है, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है परशुराम टेम्पल, उसके बाद है बातरेसर टेम्पल, उसके बाद है राजा रानी टेम्पल जहाँ हम लोग गए थे, अनंत वासुदेवा टेम्पल, ये भी मैं गया हूँ, मतलब योगिनी टेम्पल है, सिद्धेश्वर एंड नीलाम्बर टेम्पल है, ये योगिनी टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है, वाराहानी टेम्पल है, मगेश्वर टेम्पल है, नरसिंहनाथ टेम्पल है, रामेश्वर टेम्पल है। इसके अंदर आने के लिए आपको टिकट देना पड़ता है, और इसका बच्चों का टिकट का पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ बड़ों का टिकट लगेगा, वो भी 50 रुपये करके पर पर्सन। ये है वैठला टेम्पल, उसके बाद आपके मुक्तेश्वर टेम्पल है। हर एक टेम्पल में देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग है, मगर ये पूरा तमिल और ये साउथ का टच इसमें ज़्यादा दिया हुआ है। ये राजा रानी टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल जो कि सबसे ज़्यादा पुराना और 1000 साल पुराना है, 11वीं सदी का है। ये है 12वीं सदी का हमारा श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल। ये है सन टेम्पल कोणार्क, जिसमें अभी हम लोग जाने वाले हैं। ये इंडियन ऑयल फाउंडेशन है जहाँ हम लोग सन की वर्शिप करते हैं। आप इस मशीन से सब कुछ जान सकते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। और ये देखिए पूरा मंदिर है ये वाला, ये कितना सुंदर मॉडल बनाया है ये वाला। और ये देखिए ये पूरा दिखा रहा है, वीडियो चल रहे हैं, ये कोणार्क मंदिर के बारे में बता रहा है पूरा, एक एक स्थिति के बारे में। देखिए ये है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का, आप देखिए ये होशलवारा टेम्पल कर्नाटका में। देखिए अभी मैं आपको जैसे कह रहा था साउथ का टच हर एक मंदिर में है, उड़ीसा के मंदिर में भी साउथ का टच है, और ये तो साउथ का ही मंदिर है जो यहाँ पर दिखाया गया है। इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ये पूरे टेम्पल मंदिर है इम्पोर्टेंट। देखिए ये है कैलाशनाथ टेम्पल, ये कैलाशनाथ टेम्पल है, ये विरूपका टेम्पल, महादेवा टेम्पल, तो सब में देखिए ये है सन वर्शिप इन उड़ीसा। ये अरुणा स्तंभ है, आप देख पा रहे हैं। Thank you.
सिद्धेश्वर घोड़ा है जिस घोड़े में युद्ध हुआ था। देखिए आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस, ये है पेडिस्टल ऑफ सन गॉड इनसाइड सैंक्टम, गर्व गुहा के अंदर सूर्य देव का पादपीठ, पदपीठ। देखिए ये जो तीन रथ निकलते हैं पूरे उड़ीसा में, ये यहाँ पर वो दिखाया गया है। देखिए गाइज, ये है बोईता जिसमें राजा महाराजा लोग जाते थे पहले। इसी भारत वर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तुम कलिंग की जिसमें अभी हम लोग गए थे उसके अंदर में अभी हम लोग ने ऑडिटोरियम देखा, वो भी आपको 50 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा। बहुत अच्छा मूवी दिखाया कोणार्क मंदिर के बारे में, कि कोणार्क मंदिर कैसे बना और क्यों टूटा हुआ है आज तक, क्या इसके पीछे कहानी है, सब कुछ बताया गया है। मैंने आपको ग्लिंस भी दिया है, आप ग्लिंस भी देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। कोणार्क मंदिर के अंदर की जो टिकट है उस टिकट का कॉस्ट है आपका 40 रुपीज पर पर्सन है। कैमरा अंदर में अलाउड नहीं है तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ से भी दर्शन करा देता हूँ, आप लोग भी देख पाएंगे क्योंकि वैसे भी अंदर में अलाउड नहीं है कैमरा। ये देखिए गाइस, मंदिर टूटा ही हुआ है जैसे कि देख पा रहे हैं, और ये एक बार जब टूट गया तो उसको दोबारा बनाया नहीं गया है। वेलकम बैक गाइस, और अभी हम लोग कोणार्क से आते समय अभी हम लोग आए हैं यहाँ चंद्रभागा बीच में खाना खाने के लिए। खाना मैंने इस होटल से खाया है, होटल चंद्रभागा, जो कि बीच के ऑपोजिट में ही है। आप लोग भी यहाँ पर खाना खा सकते हैं, 100 रुपए की थाली है, इट्स फाइन, खाना नॉर्मल है। आप यहाँ पर हरी होटल में ट्राई कर सकते हैं, वैसे नॉर्मल है, ज्यादा टेस्टी भी नहीं, ज्यादा खराब भी नहीं, और इट्स ओके। वेलकम बैक, और हम लोग आ चुके हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे जो कि है पुरी के। सिटी रोड में आपको मिलेगा राजभवन के बगल में है, वो है गांधी पार्क। और यहाँ के मैं आपको टाइमिंग और रूल्स बता देता हूँ ताकि आप लोग के लिए इजी रहे जब भी आप यहाँ पर आए। ये देखिए, मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेके रात को सुबह 10 बजे तक खुला रहता है, फिर शाम को 4 से लेके शाम को 7:30 बजे तक। ग्लास कंटेनर, स्मोकिंग, कैंपेन आर अल्कोहल आर नॉट परमिटेड इनसाइड द पार्क। ये है गांधी पार्क, आप देख पा रहे हो कितना सुंदर पार्क है। ये पार्क है, देखिए कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर बनाया, कितना क्लीन है पार्क। एक्चुअली मॉर्निंग वॉक के लिए दिया हुआ है, ये राजभवन के बगल में है तो ऑब्वियसली। और हमारे बापूजी यहाँ पर हैं, देखिए ये देखिए हमारे बापूजी को, क्या बात है, वंदे मातरम। बैठने का भी जगह अच्छी बनाई हुई है यहाँ पर, देखिए कितना सुंदर है। और आगे समुद्र की आवाज आ रही है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि समुद्र की आवाज यहाँ पर आ रही है, समुद्र की आवाज। और ये देखिए, ये एक बना हुआ है, आहा क्या बात है, चलिए समुद्र की आवाज कम से कम आ रही है। ये देखिए समुद्र, ये देख पा रहे होंगे आप समुद्र, ये देखिए।
हेलो गाइस, और मैं अभी रात को आया हूँ बीच पर। मैं आपको लोगों को रात को दिखाने के लिए, रात को देखिए ये चांद की लाइट है और इसके नीचे देखिए, ये देखिए समुद्र क्या लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ये चीज, ब्यूटीफुल यार। लहरें की आवाज आपको आ ही रही होंगी, बहुत बढ़िया।